पहलवानों का धरना लगातार चल रहा है। आप एक यूथ हैं और जो धरना दे रहे हैं वो भी एक तरीके से यूथ ही हैं। जिस तरीके की सिचुएशन लगातार चल रही है, बयानबाजी दोनों साइड से हो रही है, लेकिन सोल्यूशन कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? मैम, मेरा यही कहना है कि एथलीट्स के साथ जो हुआ है, ना इनकी FIR भी नहीं लिखी गई। सबसे बड़ी चीज होती है कि एटलीस्ट आप FIR लिखो, फिर उस पर टीम बैठी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब पहला इन्होंने कुछ पहली कोई चीज नहीं करी है तो फिर मैम कैसे होगा? मैम ये एथलीट है, मैम ये हमारे लिए, मतलब ये कुछ भी जाके भाई मैंने इनसे नहीं बोला था, ये कुछ जीतती है कुछ करती है तो हमारे इंडिया रिप्रेजेंट होता है। इंडिया ने अगर जितने भी मेडल जीते हो आप बता सकते किस लड़की ने जीता है? नहीं पता, बस इतना पता है कि इंडिया ने पर्टिकुलर इतना गोल्ड जीता है, इतना सिल्वर जीता है। और मैम आप एक चीज सोचिए कि ये इतने इंटरनेशनल लेवल पर है मैम, जब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरे को क्या? मैम मैम एक वो मैम इतने सारे मतलब रोज केसेस होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में और इतनी सारी चीजें होती हैं, और मैम ये फीमेल एथलीट उभर कर बोल रही है कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैम इसे इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, और जब ये प्रोटेस्ट कर रही हैं तो इन्हें मैम ये प्रोटेस्ट जब इन्होंने करा तो मैम इनका सपोर्ट भी नहीं कर रही, इन्हें मार रहे हैं। पहले तो मैम ये मतलब यही कहना चाह रही है सरकार कि तुम हमारा जुल्म भी सहो, हमारे खिलाफ आवाज भी मत उठाओ। मैम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बताओ, क्या बेटी पढ़ाओ? मैम आप एग्जाम्पल देख सकती है, ये इतनी मतलब मैम हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। अभी हम इंडिया में, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, आप इंडिया के बाहर जाइए, आप जैसे जब आप लोग आपको बोलेंगे ना कि इंडियन एथलीट के साथ ऐसा होता है, तो हिंदुस्तान में क्या होता है, लोग कहते हैं इंडिया स्पोर्ट्स में उतना एक्टिव नहीं है, फीमेल्स इतना स्पोर्ट्स में एक्टिव। मैम कैसे रहेंगे आप बताइए, ऐसे रहेंगे? ये जो लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं ये लोग, मैम ये जो आज सीन हुआ है इसके बाद कितनी सारी फीमेल एथलीट जो मेरे जैसी होंगी 15 साल की 14 साल की, बहुत सारी स्पोर्ट्स में होती है, कोई टाइकोंडो करती है, कोई बास्केटबॉल करती है, कुछ करती है, मैम उनके पेरेंट्स ने मैम उनका नाम वापस ले लिया है कि हमारी बेटी के साथ ना हो जाए। बिल्कुल मैम, और इतनी मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि इन्होंने उस पॉलिटिशियन इस लड़की के साथ इतना बुरा करा और वो इतना इस्तीफा दे रहा है ना, वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। ये इतनी गर्मी में, दिल्ली की इतनी गर्मी में ये बैठी हुई है और ये मैम ये बोल रही है हमें इंसाफ दो, पर हमें कुछ भी एक्शन ले रहे दिन हो चुके हैं, मगर इनके खिलाफ कुछ भी, उनके खिलाफ एक कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है मैम। लेकिन अब जैसे जब पहले ये सेकेंड टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने आह्वान किया है कि आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारा साथ दें, जब वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो अब ये कह दिया गया है कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पहलवानों का, इसको अब राजनीतिक मंच एक तरीके से कह दिया। और साथ ही साथ जो द ग्रेट खली है, जो वो खुद भी एक स्पोर्ट्स मैन है, उन्होंने भी कहा है कि पहलवानों का यूज किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक मंच बन चुका है। मैम देखिए, राजनीतिक मंच नहीं है मैम, ये अपनी हक के लिए बोल रहे हैं। इनका पहला ये था बोलना कि अगर जो पॉलिटिशियन है वो पावर में, अगर आप हमारे ला करके बोलेंगे तो हमें भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि चलिए वो पावरफुल है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं। बट मैम जैसे इन्होंने भी बोला कि बहुत बार आकर के यहाँ पे जानबूझ के भड़काऊ बयान दिए गए हैं, बहुत सारी लाइट चली गई तो उन्होंने बहुत हंगामा मचा दिया, तो मैम इसीलिए इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए चीज बोली कि अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उन्हीं के लिए माइनस मतलब इन्हीं के लिए नुकसान हो जाएगा। मैम तो जैसे ब्रिजभूषण जो है वो लाइव भी आ रहे हैं, वीडियो भी लगातार आ रहे हैं, मीडिया में भी बयान दे रहे हैं, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि जो आरोप यहाँ से पहलवानों ने उनपे लगाए हैं वो उनपे लगे हैं। मैम देखिए, इसमें ये है कि जब उन्होंने उनपे आरोप लगाया तो वो कह रहे हैं ये फेक है, तो इनकी मैम पहली बात तो जो इंसान जुर्म करता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी, मैं कोई गलती करूंगी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बिना मैम इनकी फिर FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है कि अगर हम कुछ करें इतनी FIR हाँ ये कहीं कार्रवाई भी नहीं हो रही। मैम ये बैठे हुए इतने दिन हो गए, इन पे कोई एक्शन नहीं लिया, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा। मैम ये बस ये जो चीज है वो अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं, ये चीज जो है अपने आप को अपनी इमेज को जो खराब ना हो, मुझे इस्तीफा ना देना पड़े, मुझे अपनी टीम, मुझे अपनी पार्टी ना छोड़नी पड़े, वो इसीलिए वो बचाने के लिए मैम ये बोल रहे हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं जहांगीर खान। सर आपकी डॉटर है, जैसे कि अब इन्होंने खुद कहा है कि अब कोई भी पेरेंट्स है वो अब ये बार एक दो बार अब सोच रहा है कि अब हम अपनी बेटियों को किसी भी खेल में डाले या ना डाले इस प्रोटेस्ट के दौरान। जी बिल्कुल सही है, और हम लोग की सोच बिल्कुल ये होगी, पूरे हिंदुस्तान की सोच है कि लोग चाहता है कि पहले अपनी इज्जत बचनी चाहिए। ये बच्ची लोग जब खुल के आई है तो अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही इन बच्चों का साथ तो हम लोग को आवाम का फर्ज बनता है कि अपने घरों से निकले और जिसके कोख से हम लोगों ने जन्म लिया है उसका साथ दें। हम लोग को भी
शर्म आनी चाहिए जो आज तक हम लोग यहाँ भीड़ नहीं लगा रहे हैं। ये भीड़ नहीं लगा सकते हैं, एक दिन काम अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। मैं खुद सिलाई काम करता हूँ, मैं खुद मजदूर टाइप का आदमी हूँ, मगर आ गया हूँ इन बच्चियों का टीम में देख करके। मैं बोलता हूँ बड़े बड़े लोग को और जो जो देश का अमन और शांति और इंसाफ पसंद लोग हैं, साथ ही रहें और इनका हौसला बढ़ाएं। लेकिन हमने ये देखा है कि दिल्ली में जब भी कोई कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट पे इल्जाम लगने पहले शुरू हो जाते हैं, ये कब बंद होगा? इल्जाम लगने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए और इन बच्चियों का यकीन मेरे उम्मीद से इंशाल्लाह रहमान पक्का है और इनको कामयाबी मिलेगी। और साथ हम नौजवानों का चाहिए था, जिसके पेट से जन्म लिया है उसका भी हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम लोग को आना चाहिए। कैसे कामयाबी मिलेगी जब जो प्रधानमंत्री है वही सुनवाई नहीं कर रहे हैं? एक तरफ एक स्पोर्ट्समैन है नीरज चोपड़ा, वो जीतते हैं तो उनको बधाई का ट्वीट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ पहलवान जो हमारे देश का जिन्होंने गौरव बढ़ाया, जो मेडल लेके आए हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरे बहुत बड़े बड़े हुक्मरान मिट्टी मिल गए हैं, ये तो छोटी ऐसी चीज है। आवाम अपनी ताकत तो जाने, आज जिस टाइम अन्ना हजारे खड़े हुए थे उस टाइम ही हम लोग आए थे। आज देखिए दिल्ली में कांग्रेस ने कितना काम किया था, मगर उसको भी लोग भाले पे, मगर आज आओ, ये भी सरकार उखड़ेगी, ये भी सरकार उखड़ेगी। जब ऐसे बच्चों के साथ जुलूम होगा तो चेंज होना ही चाहिए। तो यानी कि 2024 में इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट देखने को मिलेगा? रिजल्ट हो या ना हो अलग बात है, इंसाफ इन बच्चियों को मिलना चाहिए। हम लोग के लिए कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि वो पार्टी बहुत अच्छी है, वो अपना अपना लोगों का मिजाज है, मगर इन बच्चियों के साथ जो हुआ है जुल्म, इसका फैसला होना चाहिए, बस यही मांग है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।